खबर जयपुर से, जहां 45 लाख की लूट की वारदात का 3 दिन में खुलासा कर पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 45 लाख रुपए भी बरामद किया। मिली जानकारी के अनुसार कंपनी में काम करने वाले अभियुक्त ही वारदात का सरगना निकला था। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक व मानवाधिकार नामक संस्था की कतिपय स्टेट सेक्रेटरी महिला इस घटना के मास्टरमाइंड निकली। सीएसटी डीएसटी जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। जयपुर से शक्ति सिंह शेखावत की रिपोर्ट। को ये दोपहर में बुलेटों के रास्ता पे हवाला व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए जो हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ली जाने की वारदात हुई थी। इस वारदात होने के बाद कमिश्नर साहब के निर्देश में डीसीपी साहब क्राइम और हमारी सीएसटी डीएसटी और उत्तर पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से अलग अलग टीम्स बनाई। सीसीटीवी कैमरे रखने वाले एंड पे काम किया, ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड पे काम किया, कई लोगों से इसमें पूछताछ की और इन सब पूछताछ के बाद तो मुख्य बात सामने आई कि इसमें जो उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता जी और उसका भाई और उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलकर इस वारदात का षड्यंत्र रचा था। और इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो है ये इनकी जो माता जी हैं हंसा देवी वो हैं, और उन्होंने अपने ही भाई के लड़के को गुजरात से यहाँ बुलाया और गुजरात से बुलाकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो इसमें मिलीभगत होने के कारण जो दो एम्प्लॉय वहाँ पर थे उन्होंने न कोई शोर मचाया और उस प्रकार से वारदात काफ़ी संदिग्ध थी। और सीसीटीवी से, टेक्निकल इंटेलिजेंस से और ह्यूमन इंटेलिजेंस से उनके इस वारदात का खुलासा हुआ। इस वारदात में अब तक मुख्य आरोपी जो है पार्थ, जो गुजरात से आया था, वो जो इनकी माता जी हंसा देवी, इनके दोनों लड़के बंटी रवि, इनके यहाँ काम करने वाला हिम्मत और इसका और एक दोस्त मोहित, ऐसे कुल मिला के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और वारदात में लूटी गई 45 लाख रुपए की कैश, वो सारी की सारी कैश भी बरामद।